दोस्तों, ये रावण हमने बनाया है महज 30 मिनट में। तो अगर आप भी रावण बनाना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ आप भी शुरू हो जाइए। दोस्तों, इस मिनी रावण को बनाने के लिए हमने लिया है एक न्यूज़पेपर और उसका हमने रोल बना लिया है। याद रहे दोस्तों, इस पे हमारा रावण पूरा खड़ा होने वाला है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाना है और खोखला भी। बाद ही हमने एक सिंगल न्यूज़पेपर का एक त्रिकोण बना लिया है जो कि रावण की फ्रॉक बनेगा, इसलिए हम इसके फ्रॉक के साइज़ का इसे काट लेंगे। अब हम बड़े वाले रोल के साइज़ का इस त्रिकोण को ऊपर से काट लेंगे और इसे रोल के अंदर घुसा देंगे। यह हमारे रावण की फ्रॉक का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब उसी तरह से हम रावण का सीना भी बनाएंगे। यह हम दूसरे ट्रायंगल को रावण के चेस्ट के बराबर कट कर लेंगे और इसे वापस वहां फंसा कर देख लेंगे। परफेक्ट। तो हम एक और रोल बनाएंगे जो कि रावण के हाथ बनेंगे। उसी तरह से हम एक बड़ा रोल बनाएंगे जो कि रावण का सर बनेगा। इसी तरह से हमने एक रोल और बनाया है जिसे हम बीच में से कट कर लेंगे जो कि रावण के पैर बनेंगे। अब हमारे रावण का बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार है, तो अब इसमें हम पटाखे भर लेते हैं। पटाखों के लिए हमने यहाँ पर माचिस बम का इस्तेमाल करेंगे। हमने माचिस बम लिया है और इसको हम फेविकॉल की सहायता से रावण के बेसिक रोल पर चिपका देंगे। अब हम रावण की फ्रॉक पर कलर पेपर चिपका देंगे। वैसे ही हम रावण के चेस्ट पर भी कलर पेपर चिपका देंगे। यहाँ अपने पसंद के कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और रावण को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम रावण के हाथ पर भी कलर पेपर लगा देंगे और हम सर के लिए प्लेन वाइट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने सर के स्ट्रक्चर पर फेविकोल लगाकर उस पर वाइट पेपर चिपका लिया है और हम इसे अच्छी तरह से स्टेपल भी कर देते हैं ताकि जलते समय रावण का सर अलग ना हो जाए। और अब हम रावण की रीढ़ की हड्डी यानी कि मेन रोल पर रावण के कपड़े, सीना और उसके सर को अच्छी तरह से चिपका देंगे। ये रावण की कमर है तो इस पर हम टेप लगा देते हैं। हम उसके हाथों को भी टेप से चिपका देंगे। यह हम हाथों को बॉडी से मर्ज करने के लिए एक पेपर लेकर उसे गर्दन के ऊपर से कुछ इस तरह से डालकर चिपका देंगे, जिससे रावण के हाथ बॉडी के साथ बैलेंस करने लगें। अब यहाँ एक पेपर से हम रावण की गर्दन भी बना देते हैं। फाइनली हम अपने रावण के सर को भी चिपका देते हैं। यहाँ एक डिफरेंट कलर के पेपर से मैं रावण की कमर का बेल्ट बना देता हूँ। अब हम रावण के पैर पर भी पेपर चिपका देंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारे रावण के पैर भी तैयार हैं। अब हमने यहाँ पर वाटर कलर से रावण के फेस को स्किन कलर दे दिया है। अब यहाँ रावण को हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने रावण के चेहरे पर आंखें, नाक और उसके होंठ अलग से काट कर लगाए हैं। अब हम रावण का मुकुट भी यहाँ चिपका देंगे। रावण की तलवार भी तैयार है और रावण की ढाल भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये रावण ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, इस रावण को हम अभी नहीं बल्कि शाम को जलाएंगे, तो आप भी अगर इसको जलता हुआ देखना चाहते हैं लेकिन अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबानी होगी ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।